आजमगढ़ में सियासी पारा हाई है, लेकिन इस बार क्या होगा? फिर से कमल खिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी अपनी हार का बदला लेगी? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त आजमगढ़ और मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आजमगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका न्यूज 18 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले सीधा सवाल तो यही, क्या तैयारियां हैं उपचुनाव में? ये जो आजमगढ़ की सीट है, जिसे गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, वो बीजेपी आपसे खींच कर ले गई, इस बार कैसे मुकाबला करेंगे? इस हार को जो बाय इलेक्शन में मिली थी, उसको मैंने एक एक्सीडेंटल हार के तौर पर लिया और उसी रूप में परिभाषित किया। कुछ साथी हमारे ओवर कॉन्फिडेंस में थे, कहीं सरकार न रहने का भी एक मनोबल के इश्यू था, जमाली साहब सामने आ गए थे, तो वो एक एक्सीडेंटल हार थी। उस हार को हमने न कभी दिल पे लिया और न कभी ये माना कि उस हार से हमारे आजमगढ़ में कोई पार्टी पर असर पड़ने जा रहा है। चुनाव की हार के दिन ही यही चुनाव कार्यालय था हमारा, पिछले चुनाव में भी केंद्रीय कार्यालय, और यहाँ जहाँ नीचे आप गाड़ियां खड़ी देख रहे हो, इसी जगह पे मैंने अपनी गाड़ी से अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं चुनाव हारा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ। और आज मुझे खुशी है कि आज आजमगढ़ के बहुत व्यापक समर्थन समाजवादी पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी को मिल रहा है। सदे नेताजी आज नहीं, लोग उनको याद कर रहे हैं, पुराने उनके बहुत से साथी अनमुनन हर गाँव में जाते हैं, नेताजी साथी मिल रहे हैं। तो यहाँ का जो सामाजिक और जातीय समीकरण है, वो भी समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला है MY फैक्टर, उससे बहुत सूट करता है। 50% से ज्यादा मुस्लिम है, यादव वोट बैंक भी यहाँ पर है, लेकिन अक्सर जैसे पहले बहन जी की तरफ से गुड्डू जमाली को उतारा गया, उन्होंने आपका खेल बिगाड़ दिया क्योंकि मुस्लिम वोट बट गया, इस बार भी बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। देखिए, अब वो बसपा का अपना फैसला है कौन किसको उतारता है, लेकिन जमाली साहब के आने से निश्चित तौर पर हमारे चुनाव को फायदा हुआ है, इस बात से कतई इनकार नहीं करना चाहिए। उनके आने से मुझे ताकत मिली है, सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, और साथ ही साथ जो पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन की बयार है, जिस तरह से PDA का जो फार्मूला आदरणीय अखिलेश यादव ने बनाया, आप कह रहे हैं MY, अब MY से हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। MY तो एक है हिस्सा, उसके साथ साथ आज पूरे PDA साथ है हमारे, दलित समाज साथ है, अदर बैकवर्ड साथ है, अगले समाज के भी वो लोग जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखते हैं, वो सारे लोग आज हमारे साथ हैं। आपने OBC का जिक्र किया, देश में देखिए OBC पॉलिटिक्स कहां पर जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरोप लगाया है कर्नाटक में जो हुआ, OBC का हक जो है वो मुस्लिमों को देना चाहती है विपक्षी पार्टियां, और INDIA गठबंधन में आप सब साथ हैं, आप हैं, कांग्रेस से अदर पार्टी। देखिए, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि वो देश को गुमराह कर लेंगे, अब नहीं होने वाले हैं। 10 साल लोगों ने मान ली उनकी बात। आज प्रधानमंत्री से लोगों के सवाल है कि हमारे रोजगार कहाँ है 20 करोड़, जो आप ही का वादा था, आप ही की गारंटी थी, आप ही के भाषण थे। आज प्रधानमंत्री रोजगार पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज है, आज इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? आज महंगाई पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज किसानों की आमदनी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जहाँ जब UPA गवर्नमेंट थी तो मनमोहन सिंह जी के लोग मजाक उड़ाते थे उस समय के प्रधानमंत्री जी की, डॉलर और रुपए के मामले में, आज उस बात पे बात क्यों नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री जी से मैं कहूंगा और बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि मुद्दों की बात करो। आजमगढ़ में मुकाबला इस बार यादव वर्सेस यादव का है, एक तरफ धर्मेंद्र यादव हैं, दूसरी तरफ हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, लोकप्रिय कलाकार हैं, अब तो सिटिंग MP भी हैं, तो हाउ विल यू रोक धर्मेंद्र जी ऑन अ लाइटर नोट? नहीं नहीं, वो तो चलिए एक स्लिप ऑफ टंग था और बड़े बड़े लोगों स्लिप ऑफ टंग हुई, उसको आप नहीं दिखा पाओगे। जब मेरे को EVM के मशीन पर रोकने से रोका जा रहा था, तो हो सकता है अग्रेसन में कोई एक शब्द गलत निकल गया, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो कलाकार जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में मैंने कहा कि वो एक कलाकार हैं, उनको BJP ऑफिस से स्क्रिप्ट मिलती है, कभी उनकी बेरोजगारी की परिभाषा सुनिए, कभी उनके उनके गुरुजी के सामने की बातें सुनिए, कभी उनकी ये भी सुनिए जो 19 के चुनाव में ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, ये स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, वो पॉलिटिकल डेप्थ और पॉलिटिकल सर्कमटेंसेस लोगों की परेशानियों को नहीं समझते। एक आखिरी सवाल, OP राजभर आपके साथ नहीं है, यहाँ राजभर वोट बैंक है, पूर्वांचल में कहते हैं उनका प्रभाव है, जैन चौधरी आपके साथ नहीं है, तो बताइए कमाल कैसे होगा? पश्चिम में कमाल हो चुका है समाजवादी पार्टी इंडिया के लिए, और जिनकी आप पूरब में बात कर रहे हैं, उनका घोषी में भी आपने देख लिया हस्र, वही हस्र आने वाले चुनावों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी हमसे बात करने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं। आस्था कौशिक, आजमगढ़, न्यूज 18।